आगे उनका गाड़ी जा रहा है देखिए, और पीछे पीछे मैं फॉलो कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। गाइज अभी टाइम हो गया है 04:53 और गाइज आज मैं जा रहा हूँ अपने व्हाइट ईगल के साथ अपने लाइफ के सबसे लॉन्ग ट्रिप पे। मैं जा रहा हूँ फतेहपुर यूपी, जहाँ पे अंशु मौर्य सर जी का घर है वहाँ पे। बिकॉज मुझे लगता है कि मेरे चैनल में ही कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं बहुत काफी स्ट्रगल कर चुका हूँ और आप देखते हैं कि मैं डेली कंटेंट देता भी हूँ, फिर भी सक्सेस नहीं मिल रहा है। और गाइज मैं धनबाद में गया था, तो धनबाद में एक बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड किंग है जो यूट्यूब का अपने आप को बादशाह समझता है। तो कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया उसने, मेरे चैनल को सही से चेक भी नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया उसने, वहां से मुझे कोई हेल्प मिला ही नहीं। अब मैं जा रहा हूँ अंशु मौर्य सर जी के पास और वहां पे देखते हैं कि वहां पे क्या होता है। ये अपना पैकिंग हो गया है, इसमें लैपटॉप, इसमें कपड़े और उसमें अपना थोड़ा सा इक्विपमेंट है, और बाकी ये मैंने रख लिया है कंबल। रास्ते का कुछ पता नहीं है, कब कैसी परिस्थिति आ जाए, कहीं गाड़ी में ही सोना पड़ जाए, इसलिए मैंने कंबल ले लिया है। वैसे तो हमारा कोशिश रहेगा कि गाड़ी में नहीं सोए, होटल में ही कहीं पे सोएंगे। तो युवराज गाइस सोया हुआ है, ये गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा अभी। जो थोड़ा हैवी बैगेज है उसको यहाँ पे रख दिए, हो तो गया, ठीक है, फर्स्ट क्लास। अभी अंधेरा अंधेरा है चारों ओर। तो यहाँ से गाइस एक लड़का और मेरे साथ जा रहा है और यहाँ से हम लोग दो हो गए, बिकॉज इतने लॉन्ग ट्रिप पे अकेले जाना ठीक नहीं होता है। तो अभी गाइस गाड़ी ड्राइव करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बेसिकली कुआं बहुत काफ़ी है तो प्रॉब्लम हो रहा है, बट कोई बात नहीं है, हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे 15-20 के स्पीड में। तो फाइनली गाइस अभी मोतिहारी हम लोग पहुँचे हैं, और मोतिहारी से अभी बहुत दूर आगे हम लोगों को जाना है, और अभी देखिए 541 किलोमीटर, 541 किलोमीटर अभी हम लोगों को गाड़ी अपना ड्राइव करना है। और यहाँ पे ग्रीन अप दिखा रहा है 10:46, अंधेरा भी और फॉग भी, रोड बिल्कुल दिखता ही नहीं है। तो हम लोग बहुत मतलब स्लोली आए 15-20-10 के स्पीड में ऐसे ऐसे करके मोतिहारी तक हम लोग पहुँचे हैं। तो अभी गाइस हम लोग पहुँच गए गंगा रिवर पे, और ये है गंगा मैया, यहाँ से देखिए शुरू हो रहा है। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये ब्रिज नया ही बना है और ये टूट गया है। तो बिहार का मतलब ऐसे भ्रष्ट इंजीनियर और ऐसा भ्रष्ट सिस्टम है कि नया ब्रिज बनता है और टूट जाता है। तो अभी गाइस गंगा मैया का ब्रिज जो है वो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, और गंगा मैया से मैं यही बोलूंगा कि हे गंगा मैया हमारी यात्रा सफल करा दीजिए। तो यहाँ पे एक होल्ड लिया है गाइज, और यहाँ से चाय पीते हैं, और चाय पीने के बाद चाय भी लगा है। अभी टाइम हो गया है 09:35। तो अभी गाइज यूपी में एंट्री हम लोग कर चुके हैं, और यूपी का रोड तो गाइज बहुत मस्त है, बिहार से कहीं बढ़िया यूपी में रोड हमको देखने को मिल रहा है। जोगी जी बहुत अच्छा रोड बनवाए हैं यूपी में, और यूपी का व्यू कुछ ऐसा है। अभी गोरखपुर हम लोग पहुँचने वाले हैं, तो ऐसे ही गाइज हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको अपडेट देते रहेंगे, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ रुकेंगे। अभी तक तो मैंने फ्यूल इसमें नहीं भरवाया है, बिकॉज पेट्रोल इसमें 300 किलोमीटर चलने के लिए था, दिखा रहा था मीटर में यहाँ पे 300 किलोमीटर का, तो मैं उसी के हिसाब से अभी चल रहा हूँ। जब 100 किलोमीटर का बचेगा तब मैं इसमें पेट्रोल भरवाऊँगा। और गाइज मुझे बहुत काफ़ी दिनों से शौक था कि मैं अपने व्हाइट ईगल के साथ कभी लॉन्ग ट्रिप करूं, तो आज वो अपॉर्चुनिटी मिल गया और कर रहे हैं, और अपने यूट्यूब वाले बाबा के पास पहुंच रहे हैं। मुझे पता है कि यूट्यूब वाले बाबा के पास मुझे पहुंचने पे सपोर्ट मिलेगा, पूरा पता है मुझे। और गाइज मैं धनबाद गया था ना, वहाँ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एटीट्यूड देखने को मिला मुझे, बाकी कुछ नहीं। अब यहाँ से पेट्रोल ले लेते हैं। ऑनलाइन होता है पेमेंट ऑनलाइन? अभी 106 किलोमीटर तक जाने वाला पेट्रोल है इसमें, तो यहाँ पे फुल करा लेते हैं और देखते हैं कितना पेट्रोल में फुल होता है ये। तो अपना व्हाइट ईगल राउंड फिगर 4000 में हो गया। तो अभी यहाँ पे पेट्रोल फुल करा लिए, और अभी देखिए बताने लगा मीटर में 700
39 किलोमीटर जाएगा। स्लोली स्लोली अपने व्हाइट ईगल को मैं लेके आ रहा हूँ ढाबा खोजते खोजते। तो अभी एक ढाबा मिला है, सिंह ढाबा। तो अभी चलते हैं और यहीं पे कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। पराठा, दाल, अचार, मूली, प्याज, यहाँ से गाइस बड़े बड़े दो दो पराठे ठूस लिए। अब खाने पीने का टेंशन खत्म, अब सिर्फ ड्राइव करना है और चलना है, बस चलते जाना है और अपने मंजिल तक पहुँचना है अब। तो अभी गाइज हम लोग पुरुषोत्तम श्री श्री 108 श्री रामचंद्र जी महाराज के नगरी में पधार चुके हैं और इसी नगरी से होके हमें जाना है फतेहपुर। गाइज नए नए परेश में जाने से यही फायदा होता है कि नए नए चीजों का एक्सपीरियंस मिलता है और ये तो जरूरी है लाइफ में, है क्या गाइज, यही सब तो है। तो अभी जो है हमें जाना है, देखिए 111 किलोमीटर और 111। तो अभी गाइज ड्राइव करते करते पैर बिल्कुल अकड़ चुका है, तो थोड़ा सा यहाँ पे टहलने के लिए हम लोग रुक गए। इधर से ब्रिज है, इधर से ऐसा कुछ फॉरेस्ट के जैसा है और एग्रीकल्चर है यहाँ पे। यहाँ पे अभी तो गेहूँ का ये सब बुआई हुआ है और गेहूँ के पीके भी उग गए हैं। तो अब यहाँ से चलते हैं गाइज, यहाँ पे लगातार ट्रकों का आना जाना लगा रहता है तो वीडियो करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब चलते हैं, थोड़ा सा पैर अपना पैर का जो अकड़न है वो सही कर लिए। हाँ तो गाइज अभी फाइनली हम लोग पहुँच गए फतेहपुर और अभी टाइम हो गया है 04:54। तो अभी गाइज अंशु मौर्या सर से बात हो गया है और वो जो है कहीं किसी काम से गए हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि मुझे 1 घंटा लगेगा। तो अभी 1 घंटे के लिए अब चलते हैं, तब तक थोड़ा सा कहीं पर घूम भी लेते हैं और कुछ मिठाई उठाई ले लेते हैं उनके लिए। पहली बार आए हैं और खा लिया तो वैसे भी जाना हमारे संस्कार में नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, खुद को अच्छा नहीं लगता है। अंशु मौर्या सर मिल गए, बहुत ही डाउन टू अर्थ है गाइज, मैंने बात किया उनसे, बहुत अच्छे पर्सन है, बहुत अच्छे। पिकअप करने के लिए आ गए गाइज, ये कम नहीं है, ये बहुत बड़ी बात होती है। आगे उनका गाड़ी जा रहा है देखिए और पीछे पीछे मैं फॉलो कर रहा हूँ। लाइट वाला गाड़ी बाकी गाइज फतेहपुर में देखिए कितना अच्छा ये अपना केसरिया उजला और हरा तिरंगे का पूरा कलर में एकदम लाइटिंग हुआ है यहाँ पे, बहुत मस्त लग रहा है।